सच तुम्हें अभी मालूम है कि कुछ वर्ष पहले हम तुम्हारे घर में अमानत डाल गए थे और वो अमानत हमें वापस चाहिए। अमानत मेरे घर पे? ओ अच्छा, मेरे घर पे एक बेड भिजवाए थे और बेड से भिजवा दिया था वो तुम्हें लेटने के लिए जी। लेकिन और कुछ नजर डालो, दिमाग में दौड़ाओ कि हम तुम्हारे अत्याचार आए ध्यान में नहीं आया, याद करो। अच्छा, नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। मुन्ने भाई तो मेरे मुन्ने भाई और उसे तुम बुलाओ। अरे ठाकुर साहब, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? लोग कहते हैं कि मुन्ने भाई से प्यार करो। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुन्ने भाई शब्दों में क्यों नहीं मुन्ने भाई से आज याद करो, मुख से फरमा रहे हो। दिमाग दौड़ाओ ना, हम दिमाग खोल देते हैं लोगों का। हमारा नाम ठाकुर जालिम सिंह है और हम बहुत हरामी किस्म के ठाकुर हैं। दिमाग खोलने की बात आपने किया ठाकुर साहब, तो मेरा दिमाग खुल गया। बोलो। मैं अब समझी कि तुम उस लड़की की बात करते हो जिस लड़की को एक दिन मेरी गोदी में डाल के गए। जान बोझ कर अनजान बनते हो मुन्ने भाई। लाओ कहाँ है? जानी और जानी बातें कर रहे हो। आज पूरा 16 साल हो गए हैं और हम अपने अमानत ले आए हैं। ठाकुर साहब कहो, एक बात मैं कहूँ? क्या कहना चाहते हो? जिस लड़की को आज मांगने आए हो उस लड़की को छोटे छोटे पैर थे, छोटे छोटे हाथ थे, छोटा छोटा मुंह था। आज मैं उसको पाल पोस करके इतनी बड़ी कर दी हूँ। क्या कीमत चाहिए? कीमत की बात करते हो और उस अमानत की बात करते हो ठाकुर साहब? और कहाँ रह गई अब अमानत? तुम पूछ रहे हो अपनी दिखा दिया रंडी की औकात? अरे ठाकुर साहब, आप जान पूछ करके अनजान बनते हो। आप भी जानते हो कि एक रंडी रंडी होती है। मैं सब कुछ समझ गया। इसीलिए लोग कहते हैं तबाब कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, करती है तो क्या? तो जालिम सिंह के जालिम सिंह I'm gonna be the one.
अपनी औकात दिखा कर ही रहूंगा। हाँ हाँ हम देखना भी चाहते चित्त लेने को तुम और आए चले जुबान से क्या नहीं। हेलो हेलो तुम निकल जाओ हमारे कोठे से। अगर उस लड़की के बात विषय में किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुन्नी भाई को भी तुम जानते नहीं हो। मुन्नी भाई कोई अखबार वगैरह नहीं है। क्योंकि हराम के खाके तुम बहुत मोटी हो गई हो। आंखों में चर्बी छा गई है। जवानी फाट फाट के निकल रही है। तेरी जवानी को नाश कर देते हैं। साली टका की वंडी और ठाकुर जालिम सिंह से जुबान लड़ा रही है। अरे चंदा भाई अगर तू जमीन में घुस जाएगी तो जमीन में खोद के निकाल लूंगा। अगर आसमान में छिप जाएंगे तो आकाश को गिरा दूंगा। मैं तेरे पीछे आ रहा हूं चंदा भाई। यह मैं क्या देख रही हूं मम्मी। और क्या हाल किसी ने से लेने आएंगे। आज बेटी तू 16 साल की हो गई और जालिम सिंह तुझे मांगने आया था
बोल बेटी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ लेकिन माँ जैसा फर्ज अदा किया हूँ मम्मी। अगर मैं तुम्हारी लड़की नहीं हूँ तो इस संसार में किसकी लड़की हूँ माँ? बेटी ये सिर्फ वही दुष्ट जालिम सिंह बता सकता है कि तू किसकी औलाद है, कहाँ की रहने वाली है मेरी बेटी चांद। आज मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई, मैं तुझे पाल पोस करके सहन करती लेकिन तुझे एक डोली में बिठा करके एक दूसरे के घर विदा नहीं कर पाई। हेलो, करी ना सके हम प्यारी का सांसा, करी ना सके हम प्यारी का सांसा, कीमत ही की चौपाल है, कोई रंडियों का कोठा नहीं है। समझ गया नहीं समझ गया? ठीक मालिक, जूते मारूंगा निकाल के उल्लू के पट्टे, अगर कोई बदतमीजी तुमने की। नहीं मालिक, है गलती। अरे आ गया,
वैसे लौंडिया जब गुस्से में होती है तभी तो आनंद आता है। हाय हाय चंदा भाई, भैया भैयान खाले उठ जाओ, ऊपर चंदा भाई बीटिया थोड़ा गिर जाए भाई, तो जानती है ऊपर भाई ऊपर जिसके लिए गिर जाए भाई, खाले उतर जाओ भाई, खाले उतर जाओ मालिक, गिर जाए लाखों का नुकसान हो जाए। जिसके लिए मैं बरसों के लिए तरसता था आज वो खुद ब खुद यहाँ हमरी तेरे पास चल के क्या हूँ जब तक नाम चंदा का सुनता रहा, जब तक नाम का सुनता रहा, जब खुद आ गई हो यहाँ पुल पुल मिला तब कले से कला पल के पालन हमारी में चूड़िया शोभा देते हैं लड़कियों के, चूड़िया शोभा देते हैं जालिम सिंह, आज तुमने जवानी की औकात दिखाया, जब वो कहता है जालिम सिंह तो लड़कियों के हाथ में कटार भी शोभा देती है। आज तेरी हवेली तो किस लिए आई हूँ मुन्नी भाई, मरने से पहले हमसे बोल के सही है बताएंगे कि तेरा माँ बाप का पता जालिम सिंह बताएगा, और कहा माँ बाप अपने मुख से तुम्हारे गाल काटने लगे। हेलो, और कहो माँ बाप मेरे और बता लो बताएंगे, लेकिन पहले पास आकर मेरे गले लग जाओ, हम तुम्हें प्यार से सारी बातें बता देंगे। ठीक है जालिम सिंह, आज हम तुम्हारे सीने से अवश्य लग जाएंगे, मगर तुम्हें मेरे मम्मी डैडी का पता बताना होगा। इनाम दे रहे, अगर तुम मेरे दिल की हसरत पूर कर दोगी तो हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। ठीक है जालिम सिंह, आओ हम अपने सीने से आगा लेते हैं। पहले इसके पिता ने किया था, ये चांद तमाचा नहीं बल्कि अपनी जवानी की दावत लेके गई है, और यह दावत ठाकुर जालिम सिंह को मंजूर है। चंदा भाई तूने आज एक सिर के छपरे में हाथ डाला है, अरे मैं तेरे पीछे आ रहा हूं तो चुकाओ का चांदे की कीमत।
के दिल का क्यों हुआ पागल हो गया था आज से बरसों पहले, जो इसका लड़की और लड़का बिछड़ गया था, आज जब उसके पैर से कांटा निकालता है तो खून के छींटे उसके मुंह पे जाते हैं और पैर में चक्र का निशान देखता है तो पहचान जाता है कि हमारी लड़की है। आगे देखिए कैसे दोनों मिलते हैं। भैया आप लोग भाई हाथ जोड़ते हैं, दशरथ भाई बैठ जाओ क्योंकि पीछे उन्ना जगत फिर आराम मत चले जाओ। हेलो हाँ बाबा, तुम मेरे पैर में कांटा निकालने को रे इंसान हो। गुड़िया, अरे तू तो हमारी गुड़िया है। नहीं बाबा, हमारी मैं तुम्हारी गुड़िया कभी नहीं हो सकती हूँ। बेटी हमें सब याद आ। हेलो बाबा, मैं तुम्हारी लड़की नहीं हूँ बाबा। बेटी हमें सब याद आ। नहीं बाबा, जब तू छोटी थी तो मैंने तेरे पैर में चक्र का निशान देखा था। देखना क्या वो चक्र के निशान से अपनी औलाद पहचानते हो बाबा? हाँ, अगर मेरे पैर में चक्र का निशान नहीं निकला मैं तुम्हारी औलाद नहीं हो सकती हूँ। मेरी गुड़िया किसने किया है? बेटी हमारा नाम राजकरण है और मैं इसमें डरता, मैंने जालिम को एक तमाचा किया। जारी उस बदमाश का नाम अपने जुबान से मत लेना। हमारे परिवार को पीछे की तरह बिखरा दिया। अरे गरीब का कोई दुनिया में तलब
क्या तुम वही बाबा हो जिसने एक दिन मुझे पुलिस के हाथों से बचाया था? हाँ मुन्ना, कौन किसका मुन्ना? हम ये जानते हैं तू हमारा मुन्ना है, हमारा बेटा है तू। तुम झूठ बोलते हो, मुझे सब याद आ गया है, तुम वही बाबा हो, एक दिन पुलिस के हाथों से मुझे बताया था। मुन्ना कहो, जब तू छोटा था, हाँ, अपनी मैया के गोद में खेल रहा था, अच्छा, तब मैंने तेरे पैर में चक्कर का निशान देखा। मेरे पैर में चक्कर निशान? हाँ मुन्ना देख, सच कहते हो? सब याद आ गया। ठीक है मैं देखता हूँ।